अपने ऊपर क्या खर्च करती हो, अपने ऊपर किस चीज पे, मेकअप पे, कपड़ों पे, जूतों पे? मैं बैग्स लेती हूँ, बैग्स और शूज का तुम्हारा शौक है? कपड़े तो हमें मिल जाते हैं ना, कपड़े मिल जाते हैं तो मसला नहीं। और कपड़ों का वैसे भी उस तरह से ना इतना शौक नहीं रहा। अच्छा। वो एक मतलब बहुत ज्यादा शायद पहन लिए हैं। हाँ। शोबिज़ में अगर आप हर रोज नया नया कुछ पहन रहे होते। हाँ, हो हाँ। तो होता है अब लाइक जैसे बिल्कुल थोड़ा सा मैं कट गई थी, लाइक मैं 7-8 मंथ्स के बाद किसी शो में आई हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं लाहौर में ही थी, कोविड बहुत ज्यादा था, फिर मुझे ऐसा ये ना हो कि मैं जाऊँ और फिर पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली। इसीलिए तुम प्रोजेक्ट्स, जब तुम प्रोजेक्ट्स करती हो तो तुम कराची शिफ्ट हो जाती हो? मैं कराची में ही ज्यादा रहती हूँ। अच्छा। तो मैं ट्रेवल करती रहती हूँ। तो यहाँ अकेली रहती हो या कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। हाँ, रहने तो डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं वो बच्ची थी कि लाइट ऑफ करके फौरन से रूम से भागती थी, यार ऐसे लगता है कोई आ रहा है पीछे से। मेरे ख्याल से हम सब ने ये किया होगा। मतलब देखो, अपनी प्रोफेशन की वजह से, पैशनेट होने की वजह से, जिद की भी वजह से कि ये करना है। और शुरू में मुझे इतना डर लगता था, बट मुझे ये था कि नहीं यार, घर में मैंने नहीं बताना। बहुत शौक था तुम्हें? बहुत शौक था। हाँ। और मैंने घर में बिल्कुल नहीं बताया था कि मुझे डर लग रहा है या मुझे। शुरू में थोड़े से ऑब्वियसली आपको इशू फेस करने पड़ते हैं, आप नए शहर में आते हो। बिल्कुल नहीं। और जब मैं सेटल होगी और मैंने घर में बताया, एंड मम्मा वाज लाइक, तो क्या जरूरत थी, तुम आ जाती? मैं कहा इसी वजह से नहीं आई। और अभी भी मेरी अम्मा अक्सर ऐसे करती हैं, मैं काम के लिए आऊंगी, एयरपोर्ट पे पहुंचूंगी, कॉल करेंगी, अच्छा देख लो वापस आ जाओ, क्या करना है जाके। हाँ। मैं क्या, नहीं मैं नहीं आ रही। सबसे ज्यादा खाना मिस करती हूँ। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत कम स्पाइसेस खाए जाते हैं। अच्छा। और यहाँ पर ऑब्वियसली मसाले तो वाला और मतलब स्पाइसी खाना। हाँ। और ये वो तो तुम क्या करती हो, खुद ही पकाती हो? मैं ऑर्डर करती हूँ। ऑर्डर करती हो और ये कहती हो कि सुने मिर्चे कम डालिएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मिर्चे खा रही हूँ। चटोरी हो गई हो? मैं तो वहाँ पर भी हर चीज में हरी मिर्चे डाल के खा रही हूँ। हमने लोहारी लड़की को कराची वाली बना दिया। कराची आइट। हमारी बिरयानी में मेरी वजह से आलू डालते हैं। अच्छा। पहले तो जिद होती थी घर में, बिरयानी में आलू कौन डालता है? मैंने कहा आलू के बगैर बिरयानी होती नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, लाहौर की बिरयानी नहीं होती, वो पुलाव होता है हमारे लिए। पुलाव होता है एक्चुअली, होता है। और अगर अक्सर ये चीज मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूँ, जब मैं मिस कर रही होती हूँ ना खाना, तो मैं कहती हूँ कि यार जो लाहौर वाले हैं ना, वो पुलाव खाते हैं, बिरयानी कराची की। लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ, मतलब लाहौर की होकर आप ये कह रही हैं। अरे भाई, क्या पाकिस्तान की चीज़ है। हम लोग कल ट्रॉफी जीत गए। ये देखिए लाहौर वाली कह रही है कराची वाले। मैं सीजन 1 से मैं कराची किंग्स को ही सपोर्ट कर रही हूँ। और हम दुबई में भी थे शायद एक साथ, आई गेस। जी, और लास्ट वाले में आपने आई थी 2019 वाले में। हाँ। और मुझे इस वजह से गद्दार भी कहा जाता है लाहौर में। अभी भी सब लोग, सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम गद्दार हो, ये है वो। हमें तो पता चलेगा हम जीत रहे हैं। और जब जीते हैं, हाँ हाँ देखो लाहौर वाले ऐसे करेंगे तो क्या होगा। मैं कहा लाहौर से मोहब्बत है, लाहौर से बहुत मोहब्बत है, लेकिन है हम लाहौर कलंदर से कभी मोहब्बत नहीं रही। वो मोहब्बत सिर्फ कराची किंग्स के साथ। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास, खुशियाँ और मोहब्बतें बांटे अपने प्यारों के साथ। पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास, आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलत बाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।